इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दो दो लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हार के डर से नेता दो सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकप्रियता और आत्मविश्वास के बूते ये बड़े नेता जब दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मकसद केवल खुद चुनाव जीतना नहीं होता, वह इसके जरिए अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने एक सीट यूपी से लड़ी तो दूसरी सीट दूसरे राज्य जाकर, अधिकांश दोनों पर कामयाब रहे। राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से जीत नहीं मिली थी, हालांकि उनको वायनाड सीट पर जीत मिल गई थी। हालांकि जो जीतने वाले नेता हैं उनके बारे में जानते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब चरम पर है, लेकिन ये स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थी। वो पहली बार वाराणसी चुनाव लड़ने आए और उन्होंने गुजरात की बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों जगह उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी। माँ गंगा ने बुलाया है अपनी इस कथन का मान रखते हुए उन्होंने वाराणसी सीट बनाए रखी। इसी सीट से वो 2019 का चुनाव जीते और एक बार फिर इसी सीट से मैदान पर है। सोनिया गांधी भले ही चुनाव मैदान में ना हो, लेकिन वो लंबे समय तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन जब वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने आई थी तो उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ा था। दोनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। ये बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। बाद में सोनिया गांधी ने बेल्लारी से इस्तीफा दिया और रायबरेली सीट बरकरार रखी। मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में दो बार दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। पहली बार 1999 में वो संभल और कन्नौज दोनों लोकसभा सीट से लड़े और दोनों से जीत भी गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया। मोदी लहर में भी मुलायम सिंह ने दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने दो नई सीटें चुनी। वो मैनपुरी से भी चुनाव जीते और आजमगढ़ से भी। उन्होंने बाद में आजमगढ़ सीट छोड़ दी। अब बात करेंगे मुलायम सिंह के बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2009 के आम चुनाव में दो सीटों से पर्चा भरा था। वो फिरोजाबाद से भी जीते और कन्नौज से भी। इस बार वो कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन माना जा रहा है कि वो आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी संभव है कि आजमगढ़ से अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार दे। अटल बिहारी वाजपेयी कई राज्यों से चुनाव लड़कर जीते हैं। लखनऊ से कई बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी 1991 के चुनाव में लखनऊ के साथ साथ मध्य प्रदेश की विदिशा से चुनाव लड़े और जीते। वही साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ और गांधीनगर दोनों से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।